बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एनिमल लाइक प्रोटेस, और इसमें आज हम बात करेंगे ज़ू फ्लेजलेट्स। तो ज़ू फ्लेजलेट्स को मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं, काइनेटोप्लास्टिड भी कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस वर्ड ज़ू फ्लेजलेट पर गौर करें तो ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स, और फ्लेजलेट का मानी होता है फ्लेजेला। ऐसे एनिमल जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लेजेला हो, तो उनको हम लोग कहेंगे ज़ू फ्लेजलेट्स। अगर हम इनकी बॉडी देखें तो इनकी जो बॉडी होती है या तो स्फेरिकल होती है या इलंगेटेड होती है। तो जो ऑर्गन जो एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या है, वो है फ्लेजेला। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो लेग्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो मॉइस्ट सॉइल होती है उनके अंदर ये रहता है। तो कुछ ज़ू फ्लेजलेट्स के एनिमल ऐसे हैं जो फ्री रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो के पैरासाइट हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्बायोंट के, ज़ू फ्लेजलेट्स के अंदर कौन से ऐसे एनिमल हैं जो सिम्बायोंट हैं। एक एनिमल है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोनिम्फस। ये जो एनिमल है ट्राइकोनिम्फस, ये टर्माइट के अंदर पाया जाता है। अब टर्माइट क्या होती है, जिसको हम लोग जो है दीमक कहते हैं, जो लकड़ी के ऊपर अटैक करती है और लकड़ी को जो है अंदर से ख़त्म कर देती है, उसको टर्माइट कहते हैं। अच्छा, ट्राइकोनिम्फस ये टर्माइट के अंदर पाया जाता है। अब ट्राइकोनिम्फस क्या चीज देता है, ट्राइकोनिम्फस जो है बेसिकली सेलुलेज एंजाइम देता है किसको, टर्माइट को। अब टर्माइट बदले में क्या करती है, टर्माइट बदले में जो है ट्राइकोनिम्फस को फूड देती है, शेल्टर देती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब ऐसा रिलेशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को फायदा हो उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोंट। तो ये जो ट्राइकोनिम्फस है ये कौन सा रिलेशन शो करता है, ये सिम्बायोंट रिलेशन शो करता है। अच्छा, कुछ ज़ू फ्लेजलेट ऐसे हैं जो के पैरासाइट हैं, जैसे कि हमारे पास है ट्राइपैनोसोमा। अच्छा, अब ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये रहता है सी सी फ्लाई के अंदर। जब भी ये जो सी सी फ्लाई है जब ये किसी ह्यूमन को काटती है तो उसके अंदर एक डिजीज कास करती है, उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, और इस डिजीज को हम लोग जो है इंसोमिया भी कहते हैं। और कुछ ज़ू फ्लेजलेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली रहते हैं, ना किसी के साथ कोई पैरासिटिक रिलेशन शो करते हैं, ना सिम्बायोंट, बल्कि वो जो है अकेले जिंदगी क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो उनमें हमारे पास है कोनोफ्लेजलेट्स। तो कोनोफ्लेजलेट्स के पास हमारे पास सेल बॉडी होती है। अच्छा, अब इसकी जो सेल बॉडी है उसमें हमारे पास वैक्यूल होता है और फिर कॉलर भी होता है, फ्लेजेला भी होता है, और ये सी साइल होता है, मीन कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। अब ये पूरी जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको हम लोग क्या, इसको कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास ये वैक्यूल है। अब ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कॉलर कहते हैं, और कॉलर के अंदर हमारे पास क्या है, फ्लेजेला है। तो ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स थी किसके बारे में, ज़ू फ्लेजलेट्स के बारे में, जिसको हम लोग जो है मेस्टिगोफोरा या जिसको हम लोग जो है काइनेटोप्लास्ट भी कहते हैं।